नमस्कार दोस्तों, आरके टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कंप्रेसर की संपूर्ण जानकारी। ये सामने आप देख सकते हैं फ्रिज में लगने वाला कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर का नाम है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जो फ्रिज में लगा होता है। आज हम जानेंगे इसके ऊपर के क्या क्या भाग है और कहाँ किसका प्रयोग हो, कैसे लगाया जाता है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। या वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऊपर का जो यहाँ से आपका भाग दिखा रहे, इसको बोला जाता है मफरल। इसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक भाग को बोला जाता है डोम। अब उसके ऊपर थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएंगे तो ये बना है टर्मिनल। एक टर्मिनल बनाता है, टर्मिनल में देख सकते हैं यहाँ पे तीन पॉइंट है। तीन पॉइंटों में कामर रनिंग हुआ स्टार्टिंग होते है, इसी में लाइट की सप्लाई दी जाती है जिससे हमारा कंप्रेसर चलता है। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रबड़ लगा है। इस रबड़ का नाम है ग्रामेट। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं तीन लाइनें हैं। तीनों लाइनों में सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन है। तीन लाइनों में सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन। इसी से हमारा गैस चार्ज होता है। एक से डिस्चार्ज से गैस को बाहर की तरफ फेंका जाता है, दूसरी तरफ से गैस को खींचा जाता है। अब उसके बाद यहाँ से इस कंप्रेसर को अगर यहाँ से काट कर देखा जाए तो हम इसके यहाँ से जब इसको काटेंगे तो इसके अंदर देखेंगे एक मोटर वाइंडिंग हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं रोटर है। अगर इस मोटर को निकाला जाए तो यहाँ पे आप इसको जब निकालेंगे तो आराम से बहुत आसानी से निकल भी जाता है। इसको ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ने के बाद इसको आसानी से धीरे धीरे करके इसको खींच लेंगे। तो यहाँ जब देखेंगे तो ये जो हमारा पिन लगा, यहाँ पे देख रहे हैं तीन पॉइंट बना है। कामर रनिंग वाला स्टार्टिंग का जो कंप्रेसर के जो बाहर का टर्मिनल है वहां से जो दिखाई देता है, देखे ये अंदर यहाँ से लगा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं अंदर से लगा होता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे ही मोटर आपका रुका रहता है। यहाँ इसके अंदर देखेंगे तो आयल है, एक पोलिस्टर आयल होता है, इसमें कचड़ा वचड़ा भी बहुत होता है, देख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे यह मोटर जो हमारा है, मोटर में देख रहे हैं बाइंडिंग हुई है। मोटर में देखे यहाँ पे रोटर है। यह रोटर क्या करता है, मोटर को चलाता रहता है या पिस्टन को चलाता रहता है। यहाँ पे देखें एसेंट्रिक शाफ्ट के द्वारा चलता रहता है। तो ये क्या करता है, गैस पंपिंग कंप्रेसर पंपिंग करता है। तो गैस जो हमारी है आसानी से डिस्चार्ज लाइन से होते हुए सक्शन लाइन में चली जाती है। तो यहाँ पे देखे डिस्चार्ज लाइन है, आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये लाइन है, यहाँ पे इसके अंदर देखे सिलेंडर लगा है, पिस्टन लगा है, रिम लगा है। यहाँ पे देखिए एसेंट्रिक शाफ्ट लगा है। यहाँ पे देखिए घूम रहा, बहुत आसानी से घूमता रहता है, पंपिंग करता रहता है। तो आप इसको देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे तीन पॉइंट बना है, इसी तीनों पॉइंटों पे हमारा कंप्रेसर रुका रहता है, ठीक है। तो इसको आप लगा भी सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तीनों पॉइंटों को आसानी से इसको दबाएंगे। दबाने के बाद इसको ऐसे बढ़िया तरीके से दबाने के बाद ये जो आपकी स्प्रिंग है उसी स्प्रिंग पे आपका तीनों जो स्टैंड है उसी पे बढ़िया तरीके से बैठना चाहिए। बैठने के बाद इसको आप ऐसे हल्का सा घुमा देंगे, देखिए आपका ये जो कंप्रेसर बहुत बढ़िया तरीके से बैठ चुका है। ये रोटर भी आपका बहुत आसानी से घूम रहा है। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।